ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। ताजा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए टाइम्स 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विधायक नाना भाऊ ने किया करोड़ों रुपए से बनने वाले जलाशय का भूमि पूजन। मौखिट जनपद मुख्यालय पर सौसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व राज्य मंत्री नाना बाहू मोहन ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले जलाशय का भूमि पूजन किया। मौखिट विकास खंड के जाखावाड़ी जलाशय नहर रहित जलाशय के साथ ही रंगारी जलाशय, साईखेड़ा जलाशय, छिंदेवानी जलाशय जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनना जा रही है, उसका भूमि पूजन विधायक नाना भाऊ मोहन ने किया। विधायक नाना भाऊ मोहन ने भूमि के पश्चात विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं। मध्य प्रदेश सरकार गरीब परिवार के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए विधायक ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अमीरों के बारे में सोचती है। कांग्रेस ने प्रदेश को अंधेरे में धकेला था, जिसे भाजपा सरकार ने उबारा है। आज सरकार हर व्यक्ति को फायदा दे रही है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव परमार, पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष संतोष जैन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। टाइम्स 18 न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चेतन चौधरी की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए टाइम्स 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की।